उसके बाद आज हमें जाना है 14,000 फीट पर बाबा मंदिर नथुला पा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फिर से लौट आए हैं अपनी सिक्किम सीरीज के साथ। आई होप आपने पिछले सारे एपिसोड चेक किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो अभी तक हमने अपनी पूरी जर्नी दिखाई है सिक्किम की, स्टार्टिंग फ्रॉम कैलिमपोंग और जब हम सिक्किम पहुँचे। सो सिक्किम में अभी तक हम कवर कर चुके हैं छांगू लेक, बाबा मंदिर, शिव मंदिर और नथुला पास। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को वापस से नथुला पास से गैंगटॉक के लिए। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरे एपिसोड को एंजॉय करिए और कमेंट करके जरूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा। जो आर्मी लोग है ना, वो लोग जैसे कि वो जेसीबी लेके आता है, बुलडोजर लेके आता है, वो सब लेके आके उन लोगों का जो गाड़ी रहता है ना उसमें भी चेन लगा के वो सब मतलब की तेल देता है उसको थोड़ा सा, मतलब ताकि दूसरा गाड़ी ना फिसले, तो आर्मी लोग थोड़ा सा साफ कर देता है, उसके बाद हम लोग चले आते हैं। पर कोई तो यहाँ पे टाइम होता होगा जैसे एक पीरियड जिससे मैं बिल्कुल गाड़ी अलाउड नहीं होती, ऐसा होता है कोई जनवरी फरवरी का टाइम? नहीं, ऐसा कुछ टाइम नहीं होता है, मतलब ओपन तो हमेशा ही रहता है। ओपन तो हमेशा ही रहता है। अगर आपका मतलब कि छांगू लेक से पहले भी जब हम लोग गैंगटॉक से आ रहे थे ना, उस टाइम में नीचे जो फॉल्स दिखाई दिया था आपको, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर ज्यादा ही बर्फ है तो अगर आपका गाड़ी जा नहीं सकते तो आपको वहीं से रिटर्न कर देगा। अच्छा, बर्फ खेलो उसके बाद आप गैंगटॉक के लिए निकल जाओ। छांगुले का आने नहीं देगा, बाबा मंदिर नथुला आपको अलाउड ही नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा वो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है जी, रिक्स भी रहता है। हाँ, रिस्क भी है ना, रिस्क भी है सारा। अगर गाड़ी इधर उधर हो गया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। आफ्टर गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम भैया, अब हम आ गए हैं छांगू लेक। क्या हुआ, नींद आ रही? अच्छा, बाहर आके सब खुल जाती है आपकी नींद एक सेकंड में। चलो भाई। अच्छा, चलो गाइस, आ गए हम छांगू लेक पे। याक राइडिंग है सब लोग को यहाँ से। क्या चार्जेस है राइड करने? कौन सा राइड करना है, मीडियम है, लॉन्ग है? सबके रेट बता दो आपको। सबसे लंबा में तो हमारा 1850 तक का भी है आपको लॉन्ग में तो, हाँ। और मीडियम भी है 1250 का है, शॉर्ट है 550 का है। अच्छा, डिस्टेंस है। अच्छा, सुबह ये लेक कंप्लीट विजिबल थी और अब यहाँ पे इतना फॉग छा चुका है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बात बड़ी सही पड़ी, ये सर्दियों में ये जम जाती है ये पैंगोंग लेक की तरफ फ्रोजन लेक बन जाती है। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे मतलब फन एक्टिविटी है। यहाँ पे हम लोग याक राइड कर सकते हैं। गाइस, बहुत तेज बादल गरजने की आवाज आ रही है, बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर याक राइड भी कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर हम लोग ये कपड़े बोरो करके पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। कोई मंदिर है, बड़ी चलना। इमेज भी बनी हुई है कोई। आई थिंक कोई मंदिर है यहाँ का, और चलते हैं आपको। छांगू लेक चल रहा है, इसलिए छांगू लेक कहते हैं सब उसको। चलो गाइस, यहाँ कोहरा बहुत है तो मुझे ज्यादा दिन यहाँ पे स्टे करने का सेंस लग नहीं रहा है ना। चलते हैं, कोहरा बहुत है, भूख भी बहुत लग रही है। अब खाते मैगी, फिर हम टाइम से पहुंचेंगे अपने होटल और ट्राई करते हैं शाम को ना आपको एमजी मार्ग दिखाएंगे गैंगटॉक की मार्केट, अगर पॉसिबल हुआ तो। इसलिए अभी ये बज रहा है यहाँ पे 2:30,
कुछ खाते हैं और डायरेक्टली निकलते हैं अपने होटल की। ओके गाइस, सी यू। अब हम रुके हैं मच अवेटेड मैगी खाने। हमें 3 दिन से मैगी नहीं मिली यहाँ, ना किसी मेन्यू में थी ना किसी दुकान पे थी। सो फाइनली छोंगू लेक से वापस आते हुए हमें मैगी मिली है। क्या आपने कभी देखा है एक डॉगी और बिल्ली एक साथ? बिल्ली को शानदार व्यू है, हम भी अच्छे हैं। अब चलते हैं, यहाँ हम खाएंगे मैगी। हमने ऑर्डर कर दिया 3 मैगी। क्या हो रहा है? क्या जा रहा है? पूरा जू बना हुआ है। आपके पास आना चाह रही थी, आपने प्यार नहीं करा उसे। देखो आपसे प्यार कर रही है, देख लो बीबी। She likes you. Just look at the view. मैगी, चाय, कॉफी और साथ में डॉगी। डॉगी देख रहा है कैसे? वो भाग क्या बोलते हैं? अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैगी हमने खा ली जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। फाइनली 3 दिन बाद मैगी मिली तो शायद इसलिए भी अमेजिंग लग रही है। और साथ में हमारे कंपनी में थे एक डॉगी और एक कैट। धुआं भी निकल रहा है यहाँ पे सितंबर में। अमेजिंग एक्सपीरियंस। और हम जाएंगे डायरेक्ट होटल और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यार, बहुत थक गए। ऑक्सीजन करके थक चुके हैं। अब हम जाएंगे वहीं और फिर शाम को आपको भी दिखाते हैं MG मार्क। तब तक के लिए बाय बाय। As we promised, हम आपको ले आए हैं कहाँ पे? MG मार्ग। जो यहाँ की बहुत ही हैपनिंग सी जगह लग रही है। यहाँ पे कितनी मतलब वो है ना, जगमगाहट टाइप्स। हाँ, क्योंकि काइंड ऑफ मॉल रोड है ना, क्या है ही मॉल रोड। ये देखो MG रोड इसका नाम क्यों है। यहाँ पे देखो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, MG मार्ग। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शॉप्स बंद होना स्टार्ट हो गई है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे तक ही शॉपिंग वाली शॉप्स खुली रहेंगी। एंड लेकिन फूड तब भी हम 10 बजे तक लाइक एंजॉय कर सकते हैं। मॉल रोड तो यहाँ की काफ़ी हैपनिंग लग रही है। सब शो ड्रैगन वॉक मजा आ रहा है। So, are you liking this place? Yes. क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग के बहुत सारे चांसेस हैं। Let's see क्या मिलता है। और plus I am hungry too. So, कुछ अच्छा खाएंगे आज। वैसे आज का दिन पूरा ही अच्छा था ना। Amazing. सामने क्या है? वो कितना scary सा लग रहा है। क्या है सामने? सामने ऊपर देखने में देखो कितना अजीब सा लग रहा है। ये तो कलरफुल मॉल है, ब्राइट मॉल है। ये लड़की मुझे अपनी तरह बना देगी। इसी क्लास बनना शुरू कर दूंगा, वो कलरफुल लाइट। दोनों अच्छे लग रहे हैं। 200 का नोट होगा। क्या खा रहे हो? सिक्किम में। मैं तो खुश हूँ। हमें गैंगटॉक में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो ये बात का सेटिस्फेक्शन था कि वेज है? प्योर वेज।
और वहाँ की जो बंदा था जिसने मैं सर्व किया वो कितना बढ़िया बंदा। मैंने मैं ऐसा बंदा नहीं देखा कभी जिंदगी में कोई जो हमें ऐसे करके हर चीज दोबारा करके दिखाओ। हर चीज ऐसे हाँ मतलब सारा बिल एक चम्मच भी एक एक चम्मच उन्होंने मुझे हमें ऐसे ही पकड़ाई है। मजा आ गया। ये भी आज मुझे तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज लग रहा है। कुछ नहीं मिला तो ऐसे जगह घुस गए जो अच्छा ही में अच्छा था। हाँ मतलब लोग अच्छे थे वहाँ पर। हमने बोला कि दही की लस्सी पीनी है तो जैसी मैडम आप कहोगे वैसी बन जाएगी। चाहे उनसे बनी नहीं पर ट्राई तो करिए। ट्राई तो करिए। यही पे एंड करते हैं। कल हम जाएंगे हमारा डे 4 है टुवर्ड्स लाचेन। तो रास्ते के सारे नज़ारे और लाचेन तक की पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय। बाय।